हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किट्टी की रसोई। फ्रेंड्स, आज मैं मेथी दाना खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। कमर दर्द और जॉइंट्स पेन के लिए मेथी दाना की खिचड़ी को सर्दियों में खाया जाता है। मेथी दाना खिचड़ी खाने में बहुत ही टेस्टी भी बनती है और ये हेल्दी भी है, और इसे सर्दियों के समय में खाया जाता है। और इस खिचड़ी को बनाना बहुत ही आसान है, झटपट से ये खिचड़ी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मेथी दाना खिचड़ी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल किट्टी की रसोई को और बेल आइकन दबाइए मेरी लेटेस्ट कुकिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मेथी दाना खिचड़ी बनाने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने मेथी दाना लिया है। ये मैंने 100 ग्राम मेथी दाना लिया है। हम मेथी दाने की खिचड़ी बना रहे हैं, इसलिए मेथी दाना की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम मेथी दाना की खिचड़ी बनाएं और उसमें खाली हम एक या दो चम्मच ही मेथी दाना डालें, क्योंकि मेथी दाना की खिचड़ी कमर और जॉइंट पेन के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसमें ये 100 ग्राम मेथी दाना लिया है, इसे मैंने चुप के अच्छे से साफ कर लिया है और इससे पहले मैं एक से दो पानी अच्छे से धो लूँगी। मेथी दाने को मैंने दो पानी अच्छे से धो लिया है। अब मैं इसमें पानी को डाल रही हूँ और इस मेथी दाना को मैं पानी के अंदर भिगो दूंगी। मेथी दाने की खिचड़ी को मुझे सुबह बनाना है, तो मैं मेथी दाना रात भर के लिए भिगोकर छोड़ दूंगी। आप इसे 4 से 5 घंटे के लिए भी पानी में भिगो के रख सकते हो। मैंने मेथी दाना को रात भर के लिए भिगो दिया था और देखिए मेथी दाना अच्छे से फूल चुका है। अब मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं भीगे हुए मेथी दाना को डाल दूंगी और गैस को ऑन कर दूंगी और इसे मैं बॉईल कर लूंगी ताकि मेथी दाना का जो पूरा असर है वो उसके पानी में आ जाए, मेथी दाना अच्छे से फूल जाए। फ्रेंड्स, अगर आप इंस्टेंट मेथी दाने की खिचड़ी बनाना चाहते हो और आपने मेथी दाने को नहीं भिगोया है, तो आप इसी तरह से मेथी दाना को पानी में बॉईल कर सकते हो। या तो आप मेथी दाने में पानी डालकर उसे एक सीटी लगवा दीजिए, मेथी दाना अच्छे से फूल जाएगा और उसका पानी जो है उसमें मेथी दाना का पूरा फ्लेवर आ जाएगा। मेथी दाने को हमने अच्छे से बॉईल कर लिया है, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। ये मैंने बासमती चावल लिए हैं। चावल को मैंने अच्छे से साफ करके 2 से 3 पानी धोकर चावल को मैंने भिगो दिया था। इस चावल को मैंने 1 घंटे पहले भिगोया था। अब मैंने एक बाउल लिया है और एक छन्नी ली है। जो हमने मेथी दाने को बॉईल किया है उसे मैं छन्नी से लेकर छान लूँगी ताकि मेथी दाने का सारा पानी अलग हो जाए और मेथी दाना अलग हो जाए। और फ्रेंड्स, ये जो पानी है इसे हम संभाल लेंगे और मेथी दाना की खिचड़ी बनाने के लिए इसी पानी का हम यूज़ करेंगे। अब मैंने कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया है और इसमें मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ और इस तेल को पहले हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है फ्रेंड्स, अब हम इसमें मेथी दाना को डाल देंगे। मेथी दाने को हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। मैं मेथी दाने की खिचड़ी को कढ़ाई में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे कुकर में भी बना सकते हो। अब मैं इसमें सॉल्ट को डाल रही हूँ। नमक को हम मेथी दाने में अच्छे से मिला लेंगे। अब हमने जितने चावल लिए हैं उस चावल को आप किसी कटोरी या कप के साथ नाप लीजिए। जितने चावल हैं उसका डबल हमें इसमें पानी ऐड करना है। और फ्रेंड्स, ये मेथी दाने का पानी है, इसे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और इसके अलावा हम और पानी इसमें ऐड कर देंगे। मेथी दाने के पानी को मिलाकर जितने चावल हैं उसका डबल पानी हमें इसके अंदर डालना है और साथ ही में हम इसमें चावल को भी डाल देंगे। इन सब को हम अच्छे से मिला लेंगे और चावल में हम पहले बॉईल को आने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, चावल में बॉईल आ चुका है। अब हम इसको ढक देंगे और गैस को हम मीडियम टू स्लो फ्लेम पर कर देंगे और इसे हम 10 मिनट तक के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के करीब हो चुके हैं, अब हम मेथी दाने की खिचड़ी को चेक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया मेथी दाने की खिचड़ी लग रही है। खिचड़ी बनकर तैयार है, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और गर्मा गर्म मेथी दाने की खिचड़ी को हम सर्व करेंगे। मेथी दाने की खिचड़ी देसी घी के साथ खाई जाती है, तो इसीलिए हम मेथी दाने की खिचड़ी के ऊपर देसी घी डाल देंगे।
मेथी दाने की खिचड़ी को गर्मा गर्म ही खाया जाता है। और मेथी दाने की खिचड़ी को आप चाय के साथ में खा सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इस खिचड़ी को सर्दियों के समय में खाया जाता है। मेथी दाने की खिचड़ी कमर दर्द या जॉइंट पेन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और ये खाने में टेस्टी भी बनती है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि मेथी दाने की खिचड़ी है तो ये कड़वी होगी, मेथी दाने की खिचड़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आप भी इस मेथी दाने की खिचड़ी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने रिव्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और कुछ भी पूछना चाहते हो आप इस रेसिपी के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा यूट्यूब चैनल कीर्ति की रसोई। थैंक यू फ्रेंड्स।